करीना तुमको उठना पड़ेगा, समझ रही हो तुम हमारी बात को? उठो उठो वरना मार लगाएंगे, और वो मार लगाएंगे कि तुम्हारे मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर मैं तुम सब ब्यूटीफुल ना देखा। गुरु को होश आ गया, मेरा प्यार उसे वापस आया। नौटंकी कहीं की डायलॉग पूरा मारना तुम पे सूट करता। नौटंकी कहीं की सॉरी का? तुम किसी का बर्थडे बनाता, उसका नाम यहाँ पे सॉरी लिखी। कौन सॉरी? ज्यादा चतुर चाणक्य बनने का जरूरत नहीं है हमारे सामने। तुमको पता है ये तुम्हारे लिए किए हैं, तुमको सॉरी बोल रहे हैं। आप बाय, क्योंकि हमने बवंडर मचा दिया ना, क्योंकि अम्मा ठीक कहती है कि हमारा जो ये फिटिंग है ना एकदम खराब है। बिना सोचे समझे हम कुछ भी कर देते हैं। इतना तोड़ फोड़ कर दिया, इतना नुकसान कर दिया हमने, और हमारा पिक्चर से भी तुमको निकलवा दिया। अफसोस है हमें उस बात का, इसलिए तुम्हें सॉरी बोल रहे हैं। अफसोस करने से अगर सब अच्छा हो जाता तो वर्ल्ड में कुछ गलत ही नहीं होता ना। तुम बैठो। देखो ऐसा है कि हम कोशिश करेंगे, हम तुम्हारे डायरेक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारे प्रोड्यूसर के पास जाएंगे, उनसे जाके बात करेंगे, उनको समझाएंगे मनाएंगे, मतलब तुम्हारा मूवी तुम्हें दोबारा दिलाने का प्रयास पूरा करेंगे। वादा करते हैं तुमसे, और तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने तुम वादा का कितना पक्की मालूम। तुम्हारा सारा डायलॉग सारा पंचलाइन मैं नोट करके लिखा, और पता है मैं प्रैक्टिस भी करता। एक मिनट, डायरेक्टर हेलो। अरे कैरी बेबी कहाँ हो तुम? अरे ना तो तुम्हारा कॉल लग रहा है ना कोई मैसेज का रिप्लाई। अरे हो कहाँ? पता है तुम्हारे चक्कर में पूरी शूटिंग रुकी हुई है। पर सर मैं तो इतना तोड़फोड़ किया, इतना वायलेंस किया, प्रोडक्शन का इतना नुकसान किया, तू मुझे वापस बुलाती? हाँ तो तुम्हारे इसी हंगामे के बाद तो बिजली रानी का कैरेक्टर क्लियर हुआ है। यही एक्शन, यही फ्रस्ट्रेशन, यही टेंशन चाहिए था इस कैरेक्टर के लिए। तुम टेंशन मत लो, मैंने पूरी स्क्रिप्ट रीराइट करा दी है बेबी। बस इस पिक्चर में अब एक भी डांस नंबर नहीं होगा, अब होगा तो अग्रेशन और एक्शन। प्रोडक्शन मेरे मुंह पर टिकट मारी, मेरे को सबके सामने बोली गेट आउट, उसका क्या? प्रोडक्शन चेंज, स्क्रिप्ट चेंज, सब चीज बेबी सब। अब बस तुम कल सुबह ठीक 9 बजे फिल्म नगरी स्टूडियो पहुंच जाना, फिर धुआंधार शूटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके बेबी, चलो कल सेट पे मिलते हैं। ओके बाय। अवार्ड लेता, सब मिलता, कारी अम्मा, कारी अम्मा। चलो अब साथ में मिलके केक काटते हैं, ठीक है? पता नहीं हमें ऐसे काहे महसूस हो रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाला है। संतु जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हमको भी नहीं पता था भाई कि बुआ 3-4 दिन 5 दिन से रहने का बोलकर हफ्ता पर हफ्ता बढ़ाती चली जाएंगी। नहीं चीते, समझने की तो कोशिश कर। मुझे बुआ जी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है तेरे इस झूठ बोलने से कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा वो पति वो चंपक चिरोड़िया, इससे प्रॉब्लम है मुझे। संतु जी आपसे हम क्या मांगे? हाँ वही तो, जिंदगी में पहली बार झूठ झूठ का पति बना, और किसका? बहन का। शाबाश बाबू शाबाश, जब कभी हम लोग बात करें बीच में तुम्हारा बोलना जरूरी है। मुंह बोलते क्या हो तुम, मुंह खोल के फक से गोबर फेंक देते हो। अरे बस करो, कब से फोन बज रहा है, कोई तो फोन उठा। बीच में घुसता है, हम लोग बतिया रहे, हम लोग अपना। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? जी एक लार्ज पिज्जा। क्या पिज्जा? जी एक लार्ज पिज्जा चाहिए मुझे।
सुनो सुनो सुनो, रॉन्ग नंबर है। हाँ, यहाँ थाना है, महिला पुलिस थाना। तुमको अगर पिज्जा खाना है ना, तो पिज्जा की दुकान में फोन करो ना। संतु, ये थोड़े दिन का बात है। अरे बस करो, कितना लड़ोगे? माँ, तुमने कभी बस किया है जो ये बस करेंगे? संतु जी देखिए, जिस समय बुआ हमारे सामने अचानक से प्रकट हुई ना, हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया। उस समय हमको समझ में नहीं आया क्या बोले, कैसे बोले, बौखला गए थे हम भाई। जो मुंह से निकला बोल दिए। तू कुछ और भी बोल सकता था चीते, ये क्यों बोला? हेलो महिला पुलिस जी, एक लार्ज पिज्जा चाहिए मुझे, बहुत भूख लगी है। अरे रॉन्ग नंबर है भाई, कब से कह रहे हैं तुमको? थाने में क्यों फोन कर रही हो? पिज्जा खाना है तो किसी होटल में फोन करो ना। रखो अभी। पागल लड़की, ये पिज्जा भी कैसा फ्लू जैसा बीमारी होता ना, नाम सुनते ही भूख लगने लगता। मंगाए मंगाए। हाँ मंगा मंगा, पनीर वाला मंगा दे। हाँ मंगा मंगा, लार्ज लार्ज चलेगा। अब ये कॉल अगर उस लड़की का हुआ ना, तो फिर उसको दिखाते हैं हम। हेलो महिला, अम्मा फिर पिज्जा? तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ये पुलिस थाना है। पुष्पा जी फोन दीजिए। कब से यहाँ थाने में फोन? पिज्जा मंग। हम S.H.O हसीना मलिक बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाना से। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं कब से पिज्जा ऑर्डर करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई मेरा ऑर्डर क्यों नहीं ले रहा? मैंने आपको कहा ना, मुझे पिज्जा की सख्त जरूरत है, आप प्लीज जल्दी से एक पिज्जा यहाँ पे भिजवाइए। अच्छा ठीक है, आप पिज्जा डिलीवरी की लैंग्वेज में बात करिए। क्या आपको पुलिस की मदद चाहिए? किसी परेशानी में आप? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, एक लार्ज पिज्जा। ओके ठीक है, आप हिंट में बताइए हमें कि क्या परेशानी है और आपको क्या मदद चाहिए। यस करेक्ट, एक्स्ट्रा चीज के साथ। कोई आपके आसपास है जिस वजह से आप खुलकर बात नहीं कर पा रही हैं? जी बिल्कुल, ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी है। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, आप तुरंत अपना एड्रेस बताइए। पिज्जा ऑर्डर के लिए इतना टाइम लगता है क्या? हेलो, क्या क्या हुआ? फोन काट दिया। संतोष शर्मा, समझ गई, नंबर ट्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ, बस 5 मिनट। ओके ठीक है, जैसे ही एड्रेस पता चल जाए तुरंत आसपास जितने भी थाने हैं सबको अलर्ट करिए। जी हम DSP सर से बात करके आते हैं। जी मैडम सर। संतोष जल्दी जल्दी करो संतोष। जी सर ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। मैडम सर, हाँ, पिज्जा वाली लेडी की एग्जैक्ट लोकेशन तो ट्रेस नहीं हुई, लेकिन कौन से एरिया से कॉल आया था ये पता चल गया। ये देखिए अमृत कॉलोनी, ये मधुबन एक्सप्रेस हाईवे रोड के पास है ये बिल्डिंग। मैडम सर कॉल तो इसी कॉलोनी से आया था, लेकिन एग्जैक्ट हाउस नंबर ये पता नहीं चला है, क्योंकि कॉलर ने कॉल करने के बाद सिम जो है तुरंत बंद कर दी थी। मैडम सर, इतने बड़े सोसाइटी में से कौन से घर में से कौन फोन किया, ये कैसे पता चलेगा मैडम सर? एक मिनट, अगर हमें घर मिल भी जाएगा तब भी हम क्या कर लेंगे? मामला क्या है हमें पता नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस है, किडनैपिंग है, हॉस्टेज सिचुएशन है, घर में चोर घुसाए हैं, ये प्रॉब्लम हमें अब तक पता नहीं चली। ऊपर से अगर हम पुलिस बनकर गए, अगर कोई अलर्ट हो गया और उस औरत की जान खतरे में पड़ गई तो तब क्या करेंगे? नहीं मैडम सर, उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया ना, तो पुलिस क्यों जाए? आइडियली तो पिज्जा डिलीवरी वालों को जाना चाहिए ना। क्या बात है संतोष शर्मा, सिंगाड़े का डोज रेगुलर चल रहा है लगता है। गुड जॉब, बहुत अच्छा आइडिया, इनफैक्ट हम भी ऐसा ही सोच रहे थे। मैडम सर, आई एम बिलो द स्पाई, जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय। मैडम सर, जैसे आपने कहा था सब कुछ मैंने कर दिया है, ये देखिए पिज्जा खा पिज्जा पार्लर एट योर सर्विस। ओके तो अब सब लोग ध्यान से सुनिए कि करना क्या है। अमृत कॉलोनी में जितने भी घर हैं वो सब टीम के हिसाब से डिवाइड होंगे। जिस टीम के हिस्से में जो घर आएंगे वो वहां पर जाकर पूछताछ करेंगे। और हाँ एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए, ये हम सारा काम अनऑफिशियल तरीके से अंडर कवर कर रहे हैं, कोई भी गड़बड़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ गई पुष्पा जी। जी मैडम सर। ओके, चीता चतुर्वेदी कहाँ है? वो अभी अभी गया है मैडम सर, उसकी बदलपुर वाली मौसी है ना, प्रेमा मौसी, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है तो उनसे मिलने गया है, यही कानपुर में ही। अच्छा ठीक है, कब तक वापस आएगा बताए? परसों तो आ जाएगा बोल रहा था। फिलहाल हम ऑपरेशन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सब लोग अच्छे से समझ गए हैं क्या करना है? जी मैडम। जी मैडम। ओके चलिए। वन क्वेश्चन। व्हाट अ लोड क्वेश्चन। सीने सुंदरी, अगर कुछ सस्पिशियस लगा, कुछ ऐसा डाउटफुल लगता, कुछ ऐसा लगता तो मैं क्या करता उसमें? करना कुछ नहीं है, किसी भी हालत में ओनर को पता नहीं चलना चाहिए कि हमें उस पर शक हो गया है।
जैसे ही आपको कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तुरंत अपने टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करिए, फिर हम साथ मिलकर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। ओके ओके ओके। और एक मिनट, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ टीम मेंबर्स के लिए है, आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं नहीं चाहता तो फिर मेरा एक्टिंग क्लास का क्या होता? मेरा एक्सपीरियंस कम होता ना, वो बहुत जरूरी होता मेरे लिए। मैं जाता ना। मैडम सर, बेचारी सही तो कह रही है, ये बेचारी यही तो सीखने के लिए आई है ना यहाँ पे। हमारे साथ नहीं आएगी तो फिर सब सीखेगी कैसे, है ना? हाँ। फिर सच्चा वास्तविक अच्छा अभिनय हमारी तरह कैसे कर पाएगी बेचारी? मैडम सर प्लीज, हम कह रहे हैं ना आपसे, हम कह रहे हैं आगे, हम कह रहे हैं आपसे, ले चलिए ना उसे साथ में। कलाकार ही दूसरे कलाकार के मन की उत्कंठा समझ सकता है मैडम सर। प्लीज सुन सीने सुंदरी, अब तुमको तुम्हारा जज्बात का वास्ता। अच्छा ठीक है चलिए साथ में, लेकिन कोई कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ग्रेट, चलिए लेट्स गो। बिल्लू, पिज्जा अंदर गाड़ी में रेडी है मैडम सर। गुड, चलो। मैडम सर, अभी अपना आदमी है, अपना टीम मेंबर है, दैट्स ऑल, केस सॉल्व। ओके, ध्यान दीजिए, हम आपको पहले ही आगाह कर चुके हैं लेकिन फिर से बता रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि हम पुलिस वाले हैं। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार घर में जाकर आपने चेकिंग कर ली कि वहां से बाहर आने के बाद आपको उस घर की दीवार पे अपने अपने नाम का कोई भी एक पहला इनिशियल लिखना है। क्लियर? जी मैडम सर। ताकि आने वाली टीम को कंफ्यूजन ना हो। समझ में आ गया कोई सवाल? What happened? तुम बोला कि सबके घर के बाहर जाके नाम का फर्स्ट लेटर लिखना होता। हाँ, तो मेरा और करियम्मा का नाम तो के से स्टार्ट होता ना, तो फिर कैसे पता चलता कि कौन सा के करियम्मा का कौन सा के मेरा होता? यहाँ करिश्मा जी है ही नहीं तो उनका के कहाँ से आएगा? और अगर ऐसा होता है तो I am here, I am below the spy. मैं बता सकता हूँ कि ये के किस के का है। तुम चुप रहो, तुम इन्हें सिंगाड़े खिलाओ और आप तो हमसे बात ही मत कीजिए। मैडम सर, मैडम सर हम है ना, हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, वो हम ऐसे आ रहे थे। पुष्पा जी, हम भी टीम मेंबर हैं, हमें भी बताओ ऐसे। चलिए, इतना कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है, वहां पे एक औरत है जिसकी जिंदगी खतरे में हो सकती है, इसलिए हम अगर बात कम करेंगे और काम ज्यादा करेंगे तो बेहतर होगा। संतोष शर्मा रेन कोच गाड़ी में मैडम सर। ओके चलिए। शुक्रिया। पुष्पा जी, कुछ पता चला? नहीं मैडम सर, कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिस पर थोड़ा सा भी शक किया जाए। हमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला, सारे फैमिलीज बहुत नॉर्मल है, कहीं कुछ गड़बड़ लग नहीं रही है। मैंने जहाँ देखा वहाँ पे भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखा मैडम सर, इनफैक्ट एक ने तो बिना ऑर्डर दिए ऐसे पिज्जा ले लिया हमसे। हैं? क्या? और तुम्हारा पिज्जा कहाँ है? मैंने तो अपना पिज्जा खुद खा लिया, ये एक पीस बचा है, दे दूं? एक मिनट, करीना कहाँ है? हाँ बस अभी करीना ही बची है, शायद उसके कुछ हाथ लगा हो। हाँ हो सकता है। मैडम सर, करू आई नहीं अभी तक। संतोष शर्मा चलिए हमारे साथ। हम भी चल। नहीं नहीं आप नहीं। तुम तो बिल्कुल ही नहीं। करीना यहाँ पर आएगी तो कोई तो होना चाहिए ना उसके लिए। संतोष शर्मा चलिए हमारे साथ। जी। पुष्पा जी, मेरी करू अभी तक नहीं आई। हमारी करीना अभी तक नहीं आई है। नहीं, नहीं करू।
अब किसको उठाकर लेकर आए हो तुम? ए, शांत। यो अम्मा, अब मुझे लगता कि आप दोनों को थोड़ा गलतफहमी होता। मैं यहाँ पे पिज्जा डिलीवर करने आया, पिज्जा डिलीवर के साथ लड़की फ्री ऐसा नहीं होता। बेवकूफ समझाया क्या? बोल किस फिराक में आई थी? वरना आप। मैं पिज्जा डिलीवर करने आया और कुछ नहीं। अब इसका कसम, पिज्जा 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 नहीं तो मैं जा। नीचे बैठ। ये तो पिज्जा डिलीवर करने आई थी तो दीवार पे निशान क्या बना रही थी? निशान नहीं बना रही थी तो निशाना बना रही थी हमें पकड़ने के चक्कर में। नहीं, ये पुलिस वाली नहीं लगती है ना। अबे औंधी खोपड़ी के, ये पुलिस वाली होती तो इसे भेजते क्यों यहाँ पर? ये पुलिस की चाल है ताकि हम इस पे शक ना कर सके। शर्त लगा ली, ये पुलिस की खबरी ही है। मैं नहीं मानता, डॉक्टर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि पुलिस वाले के पास जाएगा। उस डॉक्टर के बच्चे को मैंने अच्छे से समझाया था, अगर पुलिस वाले से कांटेक्ट करने की कोशिश की ना तो उसकी बेटी जिंदा नहीं मिलेगी और ये खतरा मोल नहीं ले सकता वो। हो सकता है पिज्जा डिलीवर करने ही आई हो। हैं, तुम जाओ जाओ। थैंक यू। क्या वो बोला जाओ तो मैं जाता ना। तो पूछ इससे के बाहर निशान क्या बना रही थी, पूछ। हाँ पूछता हूँ ना, पूछ। ये बता तू निशान क्यों बना रही थी, बात बता। ए, ये बता तू निशान क्यों बना रही थी, बात बता। आदत, बचपन से मेरे को आदत, हाथ में चौक होता और कहीं पे भी कुछ भी मैं ड्राइंग करता रहता। चील, कौवा, लड्डू, खाना में कुछ भी, पिज्जा भी बनाता, सब करता मैं, मेरी आदत होता। कहानी बना रही है, पुलिस का लफड़ा है पूरा, हम फंसने वाले हैं। बाप रे, इतना गर्मी लगता है। मैडम 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 पानी पीजिए, पानी। हाँ पीजिए। अरे हमारे नहीं, अपने सर पे ठोकी, अपने सर पे। ऐसा बोल, ठीक हुआ? नहीं, पीठ मारी है। ऐसे ऐसे ठीक हुआ? अच्छा ये बताइए, आपने किसी घर का नमक चुराया है? हटो पाओ, हम क्या किसी, हम चोर दिखते हैं क्या जो नमक चुराएंगे किसी का? नहीं नहीं, आप बताइए अगर चुराए हैं तो। हमारे दुकान से बहुत दिन से नमक चोरी हो रहा है, चोर पकड़ा जाएगा। तुमको लगता है कि वो चोर हम है? हम मजाक कर रहे थे, टोटका है। ऐसा करने से अगर हिचकी फंदा है तो खत्म हो जाता है। आपका दही खत्म हो गया ना? कोई करीबी आपका आपको याद कर रहा होगा। सारे करीबियों को फोन लगाइए, जो नहीं उठाए समझो। नहीं नहीं, आपका फर्ज है ना कि कैसा है जो याद कर रहा है, फोन लगाइए। हाँ हाँ जरूरी है। फोन काहे नहीं उठा रही है? करो करो करो, रुक रुक। करिश्मा मैडम है। बोलो। ये बोलो बोलो क्या होता है, सीनियर है हम आपके। जय हिंद मैडम, बोलिए क्या हुक्म है मैडम। वो करीना फोन नहीं उठा रही है, कहाँ है वो? हाँ ठीक है बात कराते, एक मिनट है जरा। करीना यहाँ आओ, करिश्मा जी तुमसे बात करना चाहती है। जय हिंद। हाँ करी अम्मा, मैं सुनता। क्या दिमाग का आड़ू समझा है क्या हमको? आप ऐसा बच्चे कितनी घटिया मिमिक्री करेंगे और हम समझ जाएंगे कि आप करीना है? खुद को करीना समझ लीजिएगा आप। हाँ करीना से बात कराइए। वो हमको इचकी आ रहा था तो इकबाल ने बोला कि कोई करीबी जो है वो याद कर रहा होता है तो इचकी आता है, तो हमको ऐसे ही ध्यान आया कि करीना जो है वो उससे हमने पैसे लिए थे जो हम उस वो पैसे जो है हमने उसको वापस नहीं दिए, तो हमें उसका ध्यान आया। वो बात कराइए उससे, बात कराइए। वो नहीं है। नहीं है तो कहाँ है, किधर है वो? नहीं है मतलब वो अभी यहाँ नहीं है, वो आएगी तो बात कराने के। जाइए। करो करो, क्यों वीडियो कॉल किया उन्होंने? ये बाप रे। जय हिंद मैडम। ये आसमान काहे दिखा रही है? आपको फोन किया आपको देखने के लिए, अपना सूरत दिखाइए ना। हाँ हाँ हाँ। क्या है ये, क्या पहना है, क्या नया हुलिया बना रखा है? कोई नया टोटका है क्या? भक, हम यहाँ कोई टोटका वोटका करने नहीं आए हैं, हम यहाँ एक केस उलझाने के लिए आए हैं। केस? कौन सा केस? करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद।
देखिए हम केस के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं, करीना हमारे साथ नहीं है, वो थाने में है। वहाँ पहुँचेंगे ना तो आपकी बात करा देंगे। आप ये बताइए कि शूटिंग कैसी चल रही है? शूटिंग तो आनंद आ गया, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। ये सबसे अच्छी चीज है जो हमको चाहिए थी। ऐसा लग रहा है जैसे सपना जो है ना वो पूरा हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम से। सरकाज़म, हम समझ रहे हैं, लेकिन बस कुछ और दिनों की बात है। फिर तो आपको अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन कर रही है ना, कुछ दिनों के लिए झेल लीजिए। चलिए हम बाद में बात करते, बाय। हेलो, कोई इज्जत नहीं है, बाप रे। मैं सर मिली वो? हरीना ना तो मिल रही है ना ही फोन उठा रही है। अभी हमें तो लग रहा है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो अब मैडम सर, हर जगह देख रहे हैं, करीना जी कहीं नहीं मिल रही। भगवान, क्या मुसीबत है। ये लड़की हमेशा ऐसे ही करते, बिना बताए कहीं भी चली जाती है। अगर वो नहीं मिली ना मैडम सर, तो हमारी डायन बहू हमारा कलेजा काट कर खा जाएगी। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए मैडम सर, ढूंढिए करीना को। हम क्या करें पुष्पा जी, आप जानती है ना ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप ही का आइडिया था करीना को साथ में लेकर आना था। भुगतिए, रायते आप सब फैलाते रहते हैं और फिर हमें समेटना पड़ता है। पता नहीं करीना कहाँ होगी और किस मुसीबत में होगी। करू